यस, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग तपस्वनी, श्रुति, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. अंशकेत, आस्था, प्रीति, गुड इवनिंग सबको. गुड इवनिंग राधे राधे. गुड इवनिंग एवरीवन. क्या बात है, कमेंट्स रुक गया है. गुड इवनिंग प्रदेश, करिश्मा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक. संकेत, अब आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है, ठीक है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. पीयूष, पंकज, रजत, गुड इवनिंग. अंशकेत, राधे राधे. खुश रहिए हसलर. विकास, कैमन आछे? आमी एकटू एकटू भालो भालो आछी. हाँ, आफ्टरनून ते आमी भालो ना आछी, बट अभी भालो आछी. हाँ ठीक है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रुडेश, कौशिक. आज तो हाँ वन आज थोड़ा सा बैच धीरे धीरे चलेगा. ओके, धीरे धीरे चलेगा. आज वन वर्ड भी होगा, आज वन वर्ड भी होगा. आशीर्वाद दे दिया, सबको आशीर्वाद दे दिया. एलेक्सा, अभय, राखी, बेना, मेडिसिन लिया है ना, पहले से ठीक है, लेकिन मैं आज पूरे दिन इतने दर्द में थी ना कि मैं थक गई. बट वी विल हैव द क्लास, बट थोड़ा सा बीच बीच में मैं स्लो भी हो जाऊंगी. आज थोड़ा स्लो भी चलेगा तो कोई बात नहीं. हाँ, आज आज मेरी दांत में दर्द हो गई थी मॉर्निंग से, एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग. 3:30 बजे मैंने मेडिसिन लिया था, लेकिन इतना स्ट्रगल हो गया कि आई एम टायर्ड टूडे. हाँ, ख्याल रखूंगी, बिल्कुल रखूंगी. खुश रहिए अश्वनी, खुश रहिए. स्टार्ट किया जाए. आज तो मैंने बोला था ना कि आज आपका टेस्ट लूंगी. 5:30 का क्लास, सब क्लास लिया था मैंने. क्लास धीरे धीरे करके सब लिया था. एक क्लास भी आज नहीं छोड़ा था मैंने. यूट्यूब लिया था, जो अपने आपको इंगेज रखा था. 11 से 12 लिया था, 12 से 1 लिया था, 1 से 2 लिया था, 3:30 से 5 लिया था. वो दांत में दांत 5:30 से 6 लिया था, फिर अब 8 से 9:30. I can't see you. Why? Refresh करो, refresh करो, refresh करो, देख पाओ. चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए. अरे आई कांट सी यू, बट आई कैन सी यू, आई कैन सी यू. रिफ्रेश करो, यू हैव टू गेट इट रिफ्रेश 7 times, देन यू विल बी एबल टू सी मी. बट एम आई ऑडिबल, एक बार बताओ. चलो अब स्टार्ट किया जाए. आई एम नॉट एबल टू सी यू. चलो कोजेंट, कोजेंट वर्ड, एक आध दो तीन चार वर्ड आपको अलग से भी आ जाए तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है. मैम ने तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है. आई एम नॉट, मैम ने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया. हम लोग वॉकआउट करेंगे, एग्जाम नहीं देंगे. आता है कोजेंट. कोजेंट को कैसे याद करोगे? कोजेंट, कोजेंट को याद रखो एजेंट. ये एजेंट लोग होते हैं ना, इनमें कन्विंस करने की क्षमता बहुत होती है. एजेंट, एजेंट लोग होते हैं. और खास करके कौन वाले एजेंट? खास करके जो LIC वाले एजेंट होते हैं ना, ये आ जाएंगे ना आपसे, तो LIC का कोई ना कोई स्कीम आपको वो दे के ही जाएंगे. तो कोजेंट, कोजेंट मतलब जेंट, जेंट एजेंट. एजेंट में कन्विंसिंग पावर बहुत होती है. तो कोजेंट का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी कन्विंसिंग. समथिंग मतलब जिसे आप कन्विंस्ड हो जाए, कोई भी चीज वेरी पावरफुल है. ओके, आपको इतने अच्छे से देखा जाए ना कि आपको वो चीज अच्छा लगने लगे, वो चीज आपको पावरफुल लगने लगे, आपको वो प्यूसेंट लगने लगे. पुसी कैट, पुसी, पुसी कैट एंट के सामने, चींटी के सामने पुसी कैट बहुत ताकतवर बनती है. एफिकेशियस, एफिकेशियस, यस. इन्फ्लुएंसिंग है, प्रभावशाली है, यस. अभी मैं ठीक हूँ. मेरे दांत में दर्द हो गया था. अच्छा चलो इसी बात पे अब वो सब भी कर लो. आज जोमेटो वाले जल्दी आ गए. जोमेटो जल्दी जल्दी आ गए आज. टेंटेटिव, टेंटेटिव मतलब क्या होता है? टेंटेटिव, टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव मतलब आपका टेंटेटिव डेट है. टेंटेटिव का मतलब है अप्रोक्स, नॉट श्योर, चेंजेबल है. हाँ, अप्रोक्स है. टेंटेटिव है कि आपका एग्जाम अगस्त सितंबर में होगा, मतलब श्योर नहीं है, अनसर्टेन है. अभी टेंटेटिव है, अप्रोक्स बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, अनिश्चित है. ट्रक्यूलेंट किसको बोलते हैं? सारे वर्ड का मीनिंग भी सीखना है. जुलाई में आपका एग्जाम कहाँ से आ जाए? कौन से एग्जाम का जुलाई में वेट कर रहे हो? ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट ट्रक ड्राइवर. ट्रक ड्राइवर बेचारे एक ही काम कर करके एकदम झगड़ालू हो जाते, पास नहीं देते, तो ट्रक्यूलेंट लोग होते हैं. पग्नेशियस, झगड़ालू. सारे वर्ड का मीनिंग बार बार आपके कान तक जाना चाहिए. पग्नेशियस. अब एग्जाम डेट आना शुरू हो जाएगा. अब एग्जाम डेट है, देखो एयरफोर्स वगैरह का जो क्या नाम है, UPSC वाला एग्जाम, सब तो पास आने लगा, टाइम से होगा. कन्विंसिंग, कन्विंसिंग याद रखना. बेलिकॉज, कैप्शियस, ये सब वर्ड तो आपको पता ही है. विम्सिकल, कल मैंने आपको, अभी मैं बताऊंगी नहीं, हटा रही हूँ. कल मैंने विम्सिकल का आपको दो मीनिंग बताया था. क्या क्या? विम्सिकल कल ही पढ़ाया है और इसका दो मीनिंग बताया था. विम क्या क्या? हाँ, एक विम्सिकल का मतलब होता है ना जो सपनों की दुनिया में रहते हैं, फैंसीफुल, वेरी ड्रीमी, जो सपनों की दुनिया में रहते हैं. और एक विम मतलब जो अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है.
वो अपने मन के मालिक होते हैं, कब कैसे बिहेव कर देना, वेरी एब्सर्ड भी किया था ना, वेरी एब्सर्ड टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, मतलब एब्सर्ड नहीं बोलोगे, वोलाटाइल होते हैं, कब अपना मर्क्यूरियल में किया था हमने, मर्क्यूरियल कब अपना दिमाग इनका मर्क्यूरी की तरह पारा कभी हाई नीचे, वैसिलेटिंग लोग होते हैं। हाँ तो चलो अब इसमें आंसर क्या दिया है, देखो असेंट्रिक, उसको हम विम्सिकल को एब्सर्ड में भी डाल देते हैं, मर्क्यूरियल एब्सर्ड, आंसर ड्रीमी होगा, ड्रीमी, यस। कंटेम्पलेटिव किसको बोलते हैं, कंटेम्पलेटिव, कौन सा टेम्पल जाए कि सीजीएल क्रैक हो गया, इसी बारे में तो मैं सोच विचार कर रहा हूँ, कंटेम्पलेटिव मूड में है, मतलब गौर सोच विचार की मुद्रा में है, कंटेम्पलेटिव है, मेडिटेटिव, मेडिटेट योगा करके सोच विचार कर रहा है, थॉटफुल है, कोजिटेट कर रहा है, कोजिटेट कर रहा है, रूमिनेट कर रहा है, सबका मतलब है पेंसिव मूड में है, कभी कभी हम सोचते सोचते अपना पेन ही चबा जाते हैं, पेन का लाभ पीछे वाला पोर्शन, पेंसिव मूड में है। एजिटेट अलग हो गया, एजिटेट होना मतलब डिस्टर्ब्ड, बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत एजिटेटेड है, परटर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड है, वो तो अलग। रूमिनेट का मतलब भी होता है सोच विचार, अरे डिस्ट्रेस अलग है, डिस्ट्रेस का मतलब अलग है ना, वो तो एकदम डर निराशा वो सब में पॉन्डर कर रहे हैं आप, तो आंसर हाँ ये हो गया, आंसर तो ड्रीमी है। तो कॉम्पैक्ट तो पता ही है, कॉम्पैक्ट का मतलब है कॉम्पैक्ट, सब वोमिट कर रहे हैं जबरदस्त, कॉम्पैक्ट करना मतलब कोई भी चीज को ना छोटा कर देना, कॉम्पैक्ट, जैसे कॉम्पैक्ट सीडी होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, कंसाइज कर देना, कॉम्पैक्ट का मतलब है इसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए, इसको और भी संक्षिप्त छोटा कर दीजिए, कॉम्पैक्ट, जैसे कंसाइज डिक्शनरी होता है, छोटा डिक्शनरी, सक्सेंट, सक कर करके कम कर दिया, छोटा कर दिया, प्रेस ब्रीफ, अच्छा हाँ गर्ल्स बताएंगे कॉम्पैक्ट, गर्ल्स हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, सही बोल रहे हैं, गर्ल्स हमारे बताएंगे लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, बॉयज भी देखा होगा सबके घर में, तो फीमेल्स है ही, वो छोटा वाला पाउडर आता है, फेस पाउडर आता है, जैसे नॉर्मल पाउडर को ऐसे लगाते हैं ना, वो पाउडर को एकदम जमा देते हैं, मतलब उसमें रहता है, उसमें से ऐसे ऐसे लगाते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, पाउडर को छोटा कर दिया, स्पॉन्ज से लगाते हैं, देखो ब्रो लोग बोल रहे हैं, ब्रो लोग सब ब्रो लोग के घर में सब सिस्टर लोग भी होगी, मदर होंगी तो सब लगाते ही होंगे, ब्रो भी लगाते हैं, अरे ब्रो लोग भी पाउडर लगाते हैं कॉम्पैक्ट वाला, नाइसिल थोड़ी होता है, नाइसिल तो बस वो अलग है, घमोरियों का पाउडर है, सुंदर बना देता है कॉम्पैक्ट पाउडर से, हाँ पाउडर से गोरा हो जाता है कोई, बार्बर भी लगा देते हैं आफ्टर हेयर कट, अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर, हाँ उसे पूरा हेयर निकल जाता है स्किन से, तो कॉम्पैक्ट कर देना, कंसाइज कर देना, छोटा कर देना, कंपेंडियम कर देना, ब्रो लोग को क्या नहीं पता है, कंपेंडियम, कंपेंड करना मतलब भी छोटा कर देना, छोटा छोटा, टर्स कर देना, वेरी गुड, टर्स, टर्स का मतलब भी है कोई भी चीज को छोटा कर देना, अब्रिज कर देना, लेकोनिक, कर्टेल, सब तो कंडेंस कर देना, पिथी, पिथी का मतलब भी होता है छोटा, पिथी कैसे याद करोगे, पिथी, पिथी को कैसे याद करोगे, पिद्दी सा है, छोटा सा है, पिद्दी, पिद्दी वर्ड हम लोग हिंदी में यूज कर लेते, बहुत छोटा है, छोटा है, ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब भी है छोटा, पीथी, मीठी, पिथी, पिथी का मतलब छोटा है इसका, टंबल, टंबल का एक इससे, अगर अगर एक ऐसी निमोनिक में देख रही थी, निमोनिक देख रही थी कि फादर ने अपने बेटे से पूछा कि तुमने कल पी थी, तुमने कल, ऐसे याद करने के लिए, तुमने कल पी थी, तो बेटा ने बोला थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में, हाँ बस थोड़ी 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 पी थी, तो पिथी का मतलब भी है छोटा। तो और अनविल्डी का मतलब क्या होता है, नाडीर, तो एकदम बेस, वो तो पैरामाउंट का नाडीर हो, लिटिल बिट, लिटिल बिट, चप्पल खाया उसका बच्चा सप्पल हो गया, अनविल्डी, अनविल्डी मतलब कोई भी चीज ना जिसको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना मुश्किल है, नहीं नहीं अनविल्डी वर्ड याद रखे, देखो वेल्डिंग होता है ना, वेल्डी वर्ड है ना, वेल्डिंग करते हो ना, वेल्डिंग करके क्या करते हो, वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग में क्या करते हो, चीजों को जोड़ते हो ना, अरे वेल्ड किया गया मतलब सबको एक जगह फिक्स कर दिया गया, जोड़ दिया गया सबको एक जगह फिक्स कर दिया गया, और वेल्डिंग तोड़ के अलग अलग कर रहे हैं, तो अनवेल्डिंग जिसको फिक्स नहीं किया जा सकता, जो चीज ना अनवेल्डिंग का मतलब जिसको फिक्स नहीं किया जा सकता, बहुत कॉम्प्लेक्स है, भारी है, एक जगह से मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना बहुत मुश्किल होता है, बिना बिना वेल्ड किए एक जगह से दूसरे जगह मूव करना मुश्किल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा था ना कंबरसम, कंबरसम, कंबरसम को याद कर लो, कुकुम्बर, कंबर, क्यूकुम्बर तो जानते हो, क्यूकुम्बर मतलब खीरा, अगर बहुत ज्यादा खीरा दे दिया जाए तो खीरा की बोरी, खीरा का सैक, खीरा का बैग इतना हैवी होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना बहुत है,
तो कमर सम का मतलब होता है वेरी बर्डन सम, बहुत हैवी बर्डन सम, एक जगह से मूव दूसरे जगह मूव करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है. तो अनविल्डी का मतलब भी होता है अनमैनेजेबल, समथिंग विच इज वेरी हैवी. सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए ना, समथिंग विच इज वेरी हैवी, विच इज खीरे, खीरे के बैग की तरह, जिसको मूव करना एक जगह से दूसरे जगह बहुत मुश्किल है. ये क्या हो रहा है श्रेया, ये क्या हो रहा है, ये टेस्ट ही हो रहा है, टेस्ट ही है, टेस्ट ही है. चलो टेस्ट में थोड़ा टाइम दिया जाता है, दे दे रही हूँ टाइम. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. टेस्ट, हाँ टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट, टेस्ट ही है. टेन्युअस, टेन्युअस वर्ड किसी वर्ड में किया है आपने, आपने ये वर्ड किया है अटेन्युएट, आपने अटेन्युएट किया है ना. इस वर्ड को कैसे याद किया था आप बताना, कैसे वर्ड याद किया था, कैसे याद किया था अटेन्युएट. आटा खत्म हो गया है, कहाँ पे आटा आपका खत्म हो रहा है. अटेन्युएट कैसे याद किया था, तीन में से आठ घटा दो. अटेन्युएट अटेन, ना कुछ इसका अटेंडेंस कम है, ऐसे भी किया था, अटेंडेंस कम है. और क्या क्या, और कुछ कुछ किया था ना, दस में से आठ मिला. अच्छा आठ, दस में से टेन में आठ मिला, आठ मिला तो अच्छा ही नंबर मिला ना, आठ. हाँ तनु, तनु वर्ड से याद रखो ना, तनु, ये तनु बहुत कम खाती है, तनु ईट्स लेस. तनु, तनु तो नाम होता है, तनु एट, तनु ने बहुत कम खाया. तो एटेनुएट करना मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना, कोई भी चीज कम होना, और धीरे धीरे कम होते होते वो चीज कम होते होते जाना, मतलब वीक होते जाना. तनु बहुत कम खाना खाती थी, जिस वजह से तनु वीक हो गई और डेलिकेट हो गई, एकदम डेलिकेट, वीक, फ्रेजाइल. तनु तो हमारे बैच में भी है, तनु इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, तनु तनु प्रिया तो हमारे बैच में भी है. कम खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं धीरे धीरे डेलिकेट. लड़कियां ऐसे भी कम खाती हैं, लड़कियां जो होती है ना, यंग गर्ल्स, यंग गर्ल्स वो कम खाते हैं, कहीं वो मोटे ना हो जाएं. तो उसको क्या बोलते हैं, जो यंग गर्ल्स ज्यादा खाना, एंड्रोग्जिया, एंड्रोग्जिया कि वो ज्यादा नहीं खाते हैं मोटे होने के डर से, बहुत खाते हैं. हाइपोकॉन्ड्रियाक नहीं हुए, हाइपोकॉन्ड्रियाक तो अपने हेल्थ को लेके जरूरत से ज्यादा. ये जो बेबी होते हैं, बेबी किसको बोलते हैं, ये बेबी यंग गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स को बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स को बेबी बोलते हैं. और ये अपने यंग एज में ना बहुत कम खाना खाते हैं, एंड्रोजिया की होती है इनको. तो टेन्युअस का मतलब होता है ना किसी चीज को कम करना, कम करना, डेलिकेट करना. और सैलुब्रियस का मतलब क्या बताया आपको, सल्लू भाई, सल्लू भाई के मसल्स बहुत हेल्दी है, सैल्यूट्री है, सल्यूट होता है, फेवरेबल मतलब बहुत हेल्दी, ठीक है, फेवरेबल, हेल्दी, ये सब तो किया है आपने. होलसम, वेरी गुड, होलसम फूड. स्ट्रॉन्ग, प्रोपिशियस, प्रोपिशियस का मतलब भी होता है फेवरेबल, पोटेंट, पावरफुल, ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव, वेरी गुड. हाउ इज योर टूथेक नाउ, माय टूथेक इज फाइन बट दिस इज अ टेम्पररी रिलीफ, ओके, दिस इज जस्ट अ रिलीफ, टेम्पररी. लेंथी तो बहुत बड़ा, और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट. यस, आई हैव टेकन पेन किलर, बट डॉक्टर से कंसल्ट करके लिया. कंट्राइट, कंट्राइट कैसे याद रखोगे, पता नहीं, डॉक्टर के पास जाना होगा, कुछ तो हुआ होगा, कैविटीज वगैरह हुआ, वैक्सीन का थोड़ी है. कंट्राइट, कंट्राइट कैसे याद रखोगे, कंट्राइट, कॉन्ट्रैक्ट, कंट्राइट. बेचारों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उस वजह से क्या कर रहा है, कौन, कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्रैक्ट उसका छीन लिया गया, इस वजह से बेचारा पछतावा कर रहा है, अफसोस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला. तो क्या होगा कॉन्ट्राइट का मतलब, हाँ बहुत कॉन्ट्राइट फील कर रहा है, अफसोस कर रहा है, अपॉलोजी, अफसोस, अफसोस फील करना, रिग्रेट फील करना, अपॉलोजी, रिग्रेट, पछतावा. डिसहार्टेंड, दुखी नहीं है, पछता रहा है कि मैंने थोड़ा सा ठीक से कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर वगैरह भरा होता तो मुझे अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैंने कोटेशन सही नहीं डाला, ओके. और ये हाँ, रिग्रेट होना, रिमोर्स, पछतावा करना, रिमोर्स, वेरी गुड. पेनिटेंट, पेनिटेंट, पेनिटेंट वर्ड याद रखना, पेनिटेंट का मतलब भी है पछतावा. एक्सपिएशन, वेरी गुड. बेचारा पी के, एक्सपिएशन, अपनी एक्स के पास पी के आ गया, बाद में पछतावा कर रहा था. ये फैसिस्ट किसको बोलते हैं, फैसिस्ट लोग कौन होते हैं, हाँ ये बहुत अथॉरिटेटिव रूलर होते हैं, हाँ वन वर्ड भी होगा, अथॉरिटेटिव रूलर होते हैं, फासीवादी है, हिटलर टाइप, हिटलर टाइप, तानाशाही, वेरी डोमिनेटिंग, वेरी डोमिनेटिंग होते हैं, तानाशाही वाले. और ये कौन है, स्टॉलिड, स्टॉलिड है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हाँ कौन है, स्टोइक टाइप ऑफ पर्सन है, इमोशनलेस है, इसको कोई इम्पैसिव है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज, अनकंसर्न्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ना.
नेक्स्ट वाला इंडिग्नेंट, इसके बाद हम वन वर्ड करेंगे. वर्ड्स का रिविजन होते रहना चाहिए. इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट आपको बताया है कल, मतलब दो चार दिन पहले ही बताया था. इंडिजीनस, इंडिजीनस मतलब स्वदेशी, इंडिजीनस प्रोडक्ट. फिर आपको बताया था इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स एकदम गरीब होते हैं, उनके पॉकेट में पैसा ही नहीं है, पुअर होते हैं. और फिर मैंने बताया था इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट लोग गुस्सा हो जाना किसी पे, तो चलो क्या होगा इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट है. कौन सा आंसर? सेडिशियस तो गद्दारी, गद्दारी के सेंस. हाँ, डिसग्रंटल, डिसग्रंटल्ड होगा, टेरिफाइड नहीं है. इंडिग्नेंट लोग होते हैं ना, जैसे जो डिससेटिस्फाइड है, जिनका मतलब असंतुष्ट होकर किसी चीज से नाराज है वो. जैसे आप टेररिस्ट लोग डिसग्रंटल ग्रुप्स होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, वो सरकार से डिससेटिस्फाइड होते हैं, गुस्सा होते हैं और टेररिज्म का सहारा लेते हैं. जो लोग किसी से नाराज है, डिससेटिस्फाइड, अरे नहीं करवा तो इंडिग्नेंट उसमें है, करवा दूंगी इंडिग्नेंट. अभी मैंने आपको कंफ्यूज वर्ड नहीं शुरू किया है ना, अभी मैं वन वर्ड शुरू करूंगी और एक दो दिन के अंदर कंफ्यूज शुरू करूंगी उसमें. कंफ्यूज में है ये, कंफ्यूज में है, लेकिन मैंने बीच बीच में बताया है ये सब, बीच बीच में मैं बताते रहती हूँ. एब्यूलियंट, चलो कुछ कुछ एक दो वर्ड्स अलग से भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है. एब्यूलियंट, बुल, बुल, बुल. रेड बुल, रेड बुल का तो सुना ही होगा. रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है. इसको पीने के बाद एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं लोग, रात रात भर नींद नहीं आती, आराम से काम कर सकते हो. कुछ लोग रेडबुल पी पी कर अपना काम करते हैं, तो रेड एब्यूलियंट लोग होते हैं बहुत एनर्जेटिक, लाइवली. और सेडिशियस, सेडिशन आपको बताया है ना, जॉन्टी जीलस, सेडिशन बताया था, देशद्रोही, देशद्रोही, वो अफेक्शन और वो सब में किया था हमने. पीते भी होंगे रेडबुल, आप लोगों में से भी पीते होंगे. मतलब वो एनर्जी ड्रिंक है, पानी पीते हैं वो तो सबसे बेस्ट है पानी. ये सेडिशियस लोग होते हैं, फेथलेस. मैंने तो पिया नहीं है कभी. आईरेसिबल, आईरेसिबल जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेबल. और डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है, उस दिन किया था ना डिस्ट्रॉट वर्ड, किसमें किया था? देखो मैं कोशिश करती हूँ ना, जब वर्ड डालती हूँ तो मैं ऑप्शंस बदलते रहती हूँ, बिकॉज मुझे अक्सर बोलता है क्या आप करते रहते हो इतनी मेहनत, ऑप्शंस बदलते रहती हूँ. मेरी कोशिश रहती है कि जो मैंने पढ़ा दिया है ये वर्ड तो सीखना है, जो मैंने, क्योंकि मैं सब वर्ड को तो एक साथ ले नहीं सकती, ऑप्शन में वो सारे वर्ड्स पढ़ाए हुए डालते जाती हूँ, ताकि आपका पढ़ाया हुआ वर्ड्स भी रिविजन होते रहे. कॉन्स्टर्नेशन में किया है, कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन में आपने वर्ड किया है, नर्वस हो जाना, कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बेचारा डरा हुआ है, एप्रीहेंशन है, उसमें आपने डिस्ट्रॉट वर्ड किया, डिस्ट्रॉयड है, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड से, डिस्ट्रॉय होने से डरा हुआ है. एप्रीहेंड का मतलब तो अरेस्ट हो गया, एप्रीहेंड का मतलब एंगस्ट हो गया. जीएसटी से, मुझे जीएसटी से डर लगता है, लेकिन आज ही मैंने जीएसटी भरा है, मंथली जीएसटी, हाँ मंथली जीएसटी जाता है, उसी लिए उसने मुझे विकास ने कितना भरा बताऊंगी. उसने मुझे ये सब बना के दिया था, बोला था कि आप चुपचाप आज कुछ मेहनत मत करिएगा, पढ़ा दीजिएगा. लेकिन मैंने बदला है, आपके मैक्सिमम आपके दिमाग में ना दिन रात, मैं चाहती हूँ आपके सपने में भी वर्ड पावर आना चाहिए. एप्रीहेंशन का मतलब डर, और एप्रीहेंड अप हैंड, हैंड ऊपर करो, अरेस्ट. फर्टाइल, 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 ये बिगॉटरी का मतलब क्या होता है, बाइगॉटरी का मतलब क्या होता है, चलो बताओ क्या होता है, ये तो कितनी बार पढ़ चुके. बाइगॉटरी का मतलब क्या है? कट्टरपंथी, कट्टरपंथी, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, डॉगमेटिक लोग हैं, हाँ कट्टर, स्टॉन्च. दे दूंगी, आज मैंने सोचा था, लेकिन आज मैंने पूरे दिन में अच्छा फील नहीं कर रही, मैं डाल दूंगी. इसमें ना एंटोनिम्स भी है, इसमें एंटोनिम्स भी है, लेकिन मैं अभी ये वाला शीट कल परसों में आपको दूंगी, क्योंकि मैंने सिनोनिम्स में तो अपने ऑप्शन सारे बदल दिए हैं, बट मैं एंटोनिम्स का नहीं बदल पाई हूँ, तो आज तो मैं सिनोनिम्स करवाऊंगी, एंटोनिम्स वगैरह सब बदल दूंगी, उसके बाद फिर मिलेगा. फर्टाइल, फर्टाइल है, वेरी उपजाऊ है, ओके, फर्टाइल है, वेरी, बताओ क्या है फर्टाइल, है वेरी प्रोलिफिक है, फर्टाइल है, प्रोलिफिक है, हाँ. अरेबल लैंड है, अरेबिया का लैंड, बहुत तेल होता है, अरेबल, अरेबिया नहीं, अरेबल. आरा, आरा, आरा इज अ टाउन इन बिहार, वहाँ के जो लैंड्स होते हैं ना बहुत फर्टाइल होते हैं, वहाँ खेती अच्छी होती है. अरेबल, अरेबल, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल. डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, अच्छा ठीक है, आई डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, इट हैज बीन फॉर 2 ईयर्स, मैंने ठंडा पानी पिया नहीं है. फीकंट, फीकंट का मतलब भी होता है फर्टाइल. इसका एक बार देखना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही, इसका, इस वर्ड का एक बार मीनिंग देखना. कंजील, कंजील का मतलब क्या है, कंजील का मतलब क्या है, हार्डन करना है. एक बार मीनिंग देखना, एक बार मीनिंग देखना इसका. कंजील, कंक्रीट तो एकदम सॉलिड, एक बार मीनिंग देना, नहीं नहीं वो वाला कंजीनियल नहीं है, हार्डन करना किसी चीज को, एक बार देखना, हार्डन है,
सेमी सॉलिड कॉगुलेट हार्डन करना है किसी चीज को, हार्डन फॉसिलेट करना, फॉसिल्स बना के उसको हार्डन करना, जमा के हार्ड करना, सॉलिडिफाई करना. और कॉन्क्रीट तो पता है, कॉन्क्रीट मतलब एकदम सॉलिड. सेडेटिव अलग होता है, सेडेटिव्स तो अलग होते हैं. सेडेटिव और एक है सेडिशियस, दोनों एडजेक्टिव, नहीं एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है. अच्छा देखो देखो कितना ब्यूटीफुल है, इंस्टॉल आया है. मैं बिहार से पटना से हूँ, पटना. सेडेटिव का, अच्छा सेडेटिव एक बार बताना क्या होता है. सेडेटिव क्या होता है, नींद. सेडेटिव्स नींद आ जाती है, ऐसा दवा है ना जैसे उसमें सेडेटिव मिला होता है, नींद आ जाती है. तो आपने तो पढ़ा है कि आईवी वाले वर्ड क्या होते हैं, आईवी वाले वर्ड तो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन सेडेटिव्स क्या है, नाउन है. लैक्सेटिव्स, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, उसके बबल्स को लूज करने के लिए लैक्सेटिव्स दिया जाता है, ये भी नाउन है. प्लूरल बन सकता है. वैसे ऑल्टरनेटिव देखो, ऑल्टरनेटिव में भी वी लगा है, वो सेंटेंस देख के डिसाइड करना है. लेकिन ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है. आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स बने हैं, या तो पढ़ो या तो सो जाओ. दो ऑल्टरनेटिव्स आपके पेरेंट्स देते हैं ना, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चुपचाप सो जाओ. तो यहाँ टू एडजेक्टिव है और ऑल्टरनेटिव्स नाउन है, नाउन का काम कर रहा है. नाउन का जैसे बोलेंगे आई डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है, पढ़ना ही है. तो एनी तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसकी विशेषता आता है, नाउन. ओके हाँ, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स स्पोरोफिक वाला होता है. लैक्सेटिव्स में आपको बहुत ज्यादा पेन वगैरह होता है ना, तो डॉक्टर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है बच्चों को, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं ना, ऐसा दवा देते हैं कि जिससे उसको नींद आ जाए, वो रिलैक्स हो जाए, उसको पेन ना पता चले. हाँ, और मैंने बोला द ऑल्टरनेटिव रोड, स्टेशन जाने का एक और भी ऑल्टरनेटिव रोड है. तो यहाँ तो रोड नाउन है, कैसा रोड, ऑल्टरनेटिव. तो ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है. शांत करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है. हर बीमारी में ना, हर चीज का सबसे बड़ा इलाज है क्या, स्लीप. स्लीप 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 बहुत, हर सोना. और लकी होते हैं वो लोग ना, दुनिया के एक समय आएगा ना, आपको लगेगा दुनिया के सबसे लकी लोग होते हैं ना, जिसको बहुत अच्छी नींद आ जाती है, बहुत अच्छी नींद आती है, फिर जगेंगे भी तुरंत सो भी जाएंगे. तो इट्स वेरी स्लीप, बहुत बिल्कुल लकी है. और मैं नहीं हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है. मेरा साइकिल सिर्फ 6 आवर्स का रहता है, जितना भी मेरे पास टाइम रहे. सर है ना, सर का तो, आईबी वाले लोग का तो अच्छा है, लोग सब मजे में सोते हैं. श्री आज के मैं बहुत ज्यादा नहीं सोती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है सोने की, मैं लकी नहीं हूँ. भाई आप मेरे से मत कंपेयर करो. मैं तो 8 घंटे भी, मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन मैं 8 घंटे भी सोऊँ ना तो मेरा काम हो जाएगा. बट आप 5 घंटे सो रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. स्टूडेंट को 5 घंटे ही सोना चाहिए, 5-6 घंटे, ऐसा कोई बात नहीं. मुझे बहुत नींद, इस एज में मुझे भी नींद आती थी ना. कुछ लोग होते हैं, नहीं वो होता है सब लोग को. दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिसको लगेगा अरे चलो नींद कर लेते हैं, उठने के बाद अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लोग आराम से सोएंगे. और मेरा रहता है कि नहीं भाई, मुझे उस काम को याद कर करके नींद नहीं आती है, तो मैं पहले उसको कर लूँ. दो तरह के लोग होते हैं, वो आपका एक नेचर है, वो आपका नेचर में है. आप लोग को तो बहुत नींद आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना अभी उतना. आउटलैंडिश कल हमने किया था, आउटलैंडिश. मम्मी लोग को नींद नहीं आती है, मम्मी लोग गॉड गिफ्टेड है, वो सुबह जल्दी उठी जाती है. कल मैंने ये वर्ड आपको नहीं करवाया था, जब हम आउटलैंडिश कर रहे थे ना, तो आउट मैंने सोचा कि चलो इसका ऑप्शन थोड़ा और बदला जाए. लैंड से आउट है, लैंड से थोड़ा बाहर है, दूसरे गोला का है, थोड़ा एबनॉर्मल है. रिबेलियस का मतलब तो विद्रोही होता है, विद्रोही, बेलिजरेंट, झगड़ालू लोग, ठीक है. अच्छा सॉर्डिड का मतलब क्या होता है, सॉर्डिड. हाँ सॉर्डिड का मतलब होता है ना बहुत हेटफुल, घिनौना, बहुत हेटफुल, हार्श, घिनौना, वेरी. और ये स्क्वालिड का मतलब क्या होता है, सॉर्डिड का मतलब हेटफुल, एबनॉक्शियस. ये क्या है, हाँ मलिन, वही है, सी भी नहीं होगा. अरे रुको, स्क्वालिड का मतलब भी होता है, वही होता है, वेरी डर्टी, वेरी फिल्दी. स्क्वैलर होता है ना, स्क्वैलर का मतलब है गंदगी और गंदा, फिल्दी, वेरी डर्टी, फिल्दी, खराब. ओके सर्ली का मतलब झगड़ालू होगा, वाला ये होगा अटिपिकल, एकदम टिपिकल व्यक्ति है भाई ये. तो टिपिकल का मतलब क्या है,
टिपिकल एक जैसा काम करता है, टिपिकल मतलब एकदम स्टीरियोटाइप है एक जैसा, और टिपिकल मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से हटके, नॉर्मल से हटके मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। कभी कभी ना, कभी कभी, कभी कभी हम अटिपिकल, अटिपिकल को कभी कभी, मैंने बोला ना कभी कभी विचित्र, जो अटिपिकल पर्सन है ना, एब्जर्ड है, एब्जर्ड है, पिक्यूलियर है, पिक्यूलियर है, लेकिन इसको सरियल की तरह ना, इसको कभी कभी हम पॉजिटिव सेंस में भी ले जाते हैं, अटिपिकल है, टिपिकल से हटके है, मतलब यूनिक है, तो हम इसको पॉजिटिव वर्ड में, पॉजिटिव सेंस में भी सरियल की तरह अटिपिकल को यूज कर लेते हैं, यूनिक के सेंस में। जल्दी रिप्रेजल फटाफट, फ्रीकिश है, वेरी गुड, रिप्रेजल, री, री, इसको कैसे पढ़ा, कैसे याद किया था, रिप्रेजल मतलब पलट कर वार करना, रिटेलिएशन, इसको तो पढ़ चुके हो आप, विंडिक्टिव, री पनिशमेंट, रिटेलिएशन, प्यूनिटिव में पढ़ा था आपने, री, री मतलब री, पुनः प्रिजन में डाला गया क्योंकि उसने बदला लिया, पलट कर वार किया, उसकी 10 मील, 10 मील जमीन चली गई, बेचारा दुखी हो गया, रिफ्यूज तो पता ही है, और रेस्टलेस तो बेचैन को बोलते हैं, परफिडियस, कामुपेंस, कामुपेंस वर्ड में आपने पढ़ा है, परफिडियस, परफिडियस तो बताया, फिड, फिड, फिड मतलब फेथ से रिलेटेड है, गद्दार है, परफिडियस लोग गद्दार है, डूबियस का मतलब डाउटफुल है, वो तो अलग हो गया, ये इनसीडियस, इसके इनसाइड पता नहीं क्या चल रहा है, इनसाइड, इनसीडियस मतलब इनसाइड में कोई चाल चल रहा है, इसका इनसाइड का पता नहीं चल रहा है, तो गद्दार है, इनसीडियस मूवी भी है, सब मूवी देख लेते हो, मैंने कुछ सुना भी नहीं, एम्बुलेटरी, मैंने आपको रूट वर्ड में क्या करवाया, एम्बुल करवाया है, रूट वर्ड में करवाया था, एम्बुल, एम्बुल का मतलब क्या बताया था, मूव करना, मूव, मूव, मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, एम्बुलेंस है, पैरम्बुलेटर बच्चों की गाड़ी है, वो सब बताया था, सेडेंट्री, सेडेंट्री बताओ, आजकल हम लोग सेडेंट्री लाइफ लीड कर रहे हैं जिस वजह से हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो जाता है, ये तो अक्सर पढ़ते हो, सेडेंट्री मतलब एकदम इनएक्टिव लाइफ, हमारा फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गया, इनएक्टिव, इनएक्टिव, और क्विसेंट का मतलब भी बताया, एकदम क्वाइट रहता है, डल रहता है, और स्टेशनरी भी बताया ना, एन ए आर वाई, स्टेशनरी का मतलब है मोशनलेस, बट बचा क्या, ये नया वर्ड है, पेरीपटेटिक, पेरीपटेटिक, पेरीपटेटिक का मतलब भी होता है एक जगह से दूसरे जगह लगातार मूव करना, ये एक नया वर्ड है, एक नया वर्ड है, इसको कैसे याद करो, पेरीफेरी मत याद रखना, आपने, आपने कल परसों एक वर्ड किया था, पेरीफरल, क्या किया, पेरीफरल किया था, पेरीफरल डिवाइस, यस, क्या क्या है पेरीफरल का मतलब, क्या है पेरीफरल का मतलब, होता है पेरीफरल रोल, सेकेंडरी रोल, आउटस्कर्ट, जैसे सर्कल का एक तो पिविटल होता है मध्य, और पेरीफेरी बाहरी रोल, आउटर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, पेरीफरल, और सेकेंडरी भी यूज कर सकते हैं, पेरीफरल रोल है मतलब इसका सेकेंडरी रोल है, तो ये अलग है, और ये पेरीपेटेटिक का मतलब भी होता है मूविंग, रुकना नहीं, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर, मूविंग, मूविंग, वही परिदर्शन करना, खतरनाक वर्ड बोला है, परिदर्शन, पेरी, पेरी, हाँ, पेरीपेचुअल से कर सकते हो, परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब भी है कंटिन्यूस, परपेचुअल रेन, परपेचुअल रेन का मतलब है लगातार बारिश हो रही है, रुक नहीं रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, क्या है पेरीपटेटिक, प्लेट का इनसिस्टेंट रेन, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब भी है लगातार, रुकना नहीं, अच्छा परपेचुअल नहीं याद आएगा, तो चलो भाई हमारे ब्रो लोग बहुत जबरदस्त बनाएंगे, कुछ ब्रो लोग पे छोड़िए ये सब बनाएंगे, चलिए बनाइए, नहीं याद आएगा उन्हें, बना लो ब्रो, पैर पटक पटक कर, अच्छा रिपीट करिए, क्या क्या, पैर पटक पटक कर परी परी घूमते रहती है, पेरी पेरी आइसक्रीम, पेरी पेरी आइसक्रीम, पूरी प्लेट पटक, प्लेट पर चलती है, पेट पर चलती है, पेड़ पेड़ा पेट, क्या क्या बोल रहे हो सब, क्या क्या बोल रहे हो, एक पैर पटक पटक कर चलती है, पटक पटक, परी है, देखो परी हमेशा उड़ते रहती है, परी जो है एक जगह नहीं उड़ते रहती है, ऐसे याद कर लो, परी से याद कर लो, हाँ परी, परी, परी क्या है, परी पेट को लेकर घूम, पेट को लेकर घूम रही है, प्लेट लेकर घूम रही है चारों तरफ, निफेरियस, आज तो शायद मैंने यूट्यूब पे ये किया था, निफेरियस, निफेरियस को याद बोला था, याद कर लो, निफेरियस, निफेरियस, फेरियस, फेरियस को याद कर लो, फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत भयावह, खतरनाक, वेरी फ्यूरियस, बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, और क्रिमिनल लोग क्या है, क्रिमिनल है, बहुत क्रिमिनल है, बहुत विलीनियस है, निफेरियस मतलब करप्ट होता है,
करप्ट, ओके, डायबॉलिकल, डायबॉलिकल मतलब बहुत ज्यादा करप्ट, डायबॉलिकल वेरी ज्यादा इविलिश, इविलिश का मतलब एकदम बुराई से भरा हुआ, ये वर्ड याद रखना, इनफर्नल, इनफर्नल, प्रोफेन, वो सब तो आपको पता ही है, डेविलिश, इविलिश, डायबॉलिक, ओके, डायबॉलिक है, डेविल है, हैवानियत है, करप्ट है, ये वर्ड याद रखना, और बाकी सब करने हैं, करप्ट है, वो सब तो हम करेंगे, फियांडिश है, मैकाबरे है, मैकाबर, मैकाबरे है, इनफर्नल वर्ड याद करना, वो मैकाब, मैकाबरे, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, और एक याद रखो, इनफर्नल, इसका मतलब भी होता है ना वेरी इविलिश, इविलिश, डेविलिश, हैवानियत, शैतान, और वैसा वैसा टाइप से, ठीक है, डायबॉलिकल, पहले मुझे बताओ कि ये वर्ड कैसे याद रखो, ये वर्ड कैसे याद रखे, मैकाबरे कैसे याद रखोगे, मकार है, मकार है, हाँ, हॉरिंडस, हॉरिड है, मकार, मकार है, धोखेबाज है, मकार है, धोखेबाज, कोबरा, कोबरा नाग सांप कभी भी आप पे अटैक कर सकता है, मकबरे वाली जगह, हैवानियत वाली जगह, अच्छा, मकार वाला अच्छा है, मकार, अच्छा, ईवल का मतलब ना बुराई हो गया, और डेविलिश मतलब शैतान, शैतान वाले सेंस में, हैवानियत वाली जगह है मोरक्को, कैब वाला, ये तो कैब वाला है, ऐसा नहीं बोलना भाई, कैब वाला है, हैवान है, इनफर्नल को कैसे करें हम, वही मैं आ रही हूँ, इनफर्नल बहुत अच्छा है, कैब वाले को वैसे नहीं बोलना है, इनफर्नल कैसे याद करोगे, इनफर्नल का मतलब भी होता है वेरी इविलिश, डेविलिश, बहुत खराब, इंफीरियर है, फ्यूनरल से, फ्यूनरल, अच्छा, फ्यूनरल बहुत खराब होता है, इनफर, इनफर किया मतलब नतीजा निकला कि वो खराब है, इनफर्नल, इन्फर्नो से, इन्फर्नो भी तो पता होना चाहिए ना, नकाब के पीछे, अच्छा कहाँ पे है नकाब, मकाब, 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 नकाब के पीछे हैवानियत छुपी हुई है, ठीक है, फ्यूनरल से सही है, लेकिन फ्यूनरल तो अलग होता है ना, अंतिम संस्कार से कैसे याद रखोगे, इन्फर्नल, फ्यूनरल, कैसे अंतिम संस्कार से याद करोगे, फ्यूनरल, इन्फर निकाला कि वो खराब है, इनका जो लोग खराब होते हैं ना, इनका फ्यूनरल करो, इसका अंतिम संस्कार करो, याद हो जाएगा, नेबुलस तो बताया है, ये सब बताया, नेबुलस, नेबुलस का मतलब वो तो बता दिया आपको, नेबुलस पढ़ा दिया है, नेबुलस क्राउड, या जब सर्दी हो जाती है तो नेबुलाइजर डालते हो नाक को क्लियर साफ करने के लिए, तो नेबुलस अनक्लियर होता है, अनक्लियर नाक होता है तो नेबुलाइजर डालो, नेबुलस क्लाउड्स भी बता दिया, धुंधला, फोर शैडो, फोर शैडो करना मतलब क्या होता है, फोर शैडो करना, आप फोर, फोर वर्ड तो जानते हो, फोर टेल, भविष्यवाणी करना, नहीं नहीं फोर शैडो का मतलब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, हाँ, अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, अनुमान, फ्यूचर बताना, फ्यूचर में कोई चीज होने वाला है ना उसको बताना, एंटिसिपेट करना, ठीक है, एंटिसिपेट करना, फोरटेल करना, कुछ फ्यूचर के बारे में बताना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, प्रोफेसी, ऑगरी, ऑगरी, ट्यूटेलेज पूछ रहे हैं, ट्यूटेलेज का मतलब क्या है, अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ, छत्र छाया में, गार्जियनशिप ऑफ, ओके, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, अंडर द एजिस ऑफ, जैसे ये काम करता है इसकी छत्र छाया में, ऑफ, चुप रहो, अभी टाइम हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा आदमी जो टेस्ट करवाना है, नियोफाइट, अभी आज एक नया वर्ड सीखोगे आप, नियोफाइट का मतलब क्या है, कॉपी खोल के रखना है, फिर एग्जाम में आ जाएगा तो ये मत बोलना कि मैम आपने उसमें नहीं करवाया था, तब मैं बोलूंगी मैंने इसमें करवाया था, पार्सीमोनी, पार्सीमोनी मतलब पारसी, पारसी लोग बहुत कंजूस होते हैं, ठीक है, पार्सीमोनी कंजूसी है, और पार्सीमोनियस कंजूस है, गुरु एक्सपर्ट तो पता है, नियो, नियो का मतलब होता है नया, आज एक नया वर्ड सीखोगे, नियो का मतलब है नया, नया नया, जो अभी इन एक्सपर्ट है, अभी नया नया, नियोफाइट है, एक एक्सपर्ट तो नहीं है, गुरु भी नहीं है, अब एक वर्ड याद रखो, फ्लेजलिंग, ये फ्लेजलिंग किसको बोलते हैं, फ्लेजलिंग है ना जो बर्ड्स के यंग, यंग वंस ऑफ बर्ड्स हु लर्न्स हाउ टू फ्लाई, बर्ड्स के नए नए जो यंग वंस होते हैं ना, जो अभी नया नया उड़ना सीख रहे हैं, फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग हम जनरली बर्ड्स के, यहाँ जो अभी नया नया, फ्लेजलिंग इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश, ये सब आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, फ्लेजलिंग मतलब अभी नया नया, अभी नौ सीखिया है, अभी तो वो नया नया है, ओके, तो फ्लेजलिंग का मतलब भी अभी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, इन एक्सपर्ट है, अभी अपने लर्निंग फेज में है, बिगनर है, अभी लर्निंग, बडिंग है, बडिंग है, जो है
तो नया वर्ड है, जैसे आपने वो सब सीखा है ना, नियोफाइट, टायरो, रूकी, वो सब तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया। अब याद रखना फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग नूब है, नया नया सीख रहा है। पॉजिटिव, ये तो कर लो। पॉज, शहर में पाव की कमी हो गई है, पॉज हो गया, बिजनेस पॉज हो गया, तो पॉजिटिव का दर्द है। और डेटर, डेटरेंट का मतलब है बाधा, ऑब्स्टैकल, और डैमेज तो पता है, परफेक्शन भी पता है। प्रोबिटी तो करोड़ों बार, प्रोबिटी प्रोब किया गया और पता लगाया गया कि व्यक्ति सच्चा है, ऑनेस्टी है उसमें, रेक्टिट्यूड है, इंटीग्रिटी है, सच्चा व्यक्ति है। एक्सपांस का मतलब होता है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, कोई रीजन, लार्ज एरिया ऑफ रीजन, लैंड, ऐसा कुछ बोल देते हैं। वर्च्यू होगा, वर्च्यू। और प्रोक्लिविटी, वर्च्यू बोलेंगे प्रोबिटी, मतलब अच्छे गुणवान वाले लोग, ऑनेस्टी, एथिकल लोग। हाँ, प्रोक्लिविटी तो 20, 30, 40, 50 करोड़। प्रोक्लिविटी का मतलब है किसी के प्रति आपका इंक्लिनेशन, लगाव, झुकाव, अफेक्शन, अफेक्शन। और डिटर्मिनेशन तो आपका विल पावर, डिटर्मिनेशन आपका विल पावर, आपकी दृढ़ इच्छा, इच्छा शक्ति। प्रीडायलेक्शन, उसमें कितना सारा पड़ा है। फ्रैंकनेस, जल्दी जल्दी। डिसेप्शन का मतलब है धोखाधड़ी, चीट, चीट करना। कॉवर्डिस का मतलब है कायरता, कायरता को क्या बोलते हैं, कॉवर्डिस होता है ना, कायरता, डास्टर्डली, जो कायर लोग होते हैं, टिमिड होते हैं, टिमिडिटी, डरपोक, डास्टर्डली तो वैसे एडजेक्टिव डाल दिया। क्रेवन होते, वेरी गुड, क्रेवन, क्रेव में जाने से रावण ने किडनैप किया सीता को, क्रेवन। और स्किटिश, तो इसका आंसर फ्रैंक, फ्रैंक लोग होते हैं, वेरी कैंडिड, वेरी कैंडिड लोग होते हैं। ओके, मैं, हाँ, चिकन हार्ट, मतलब ये तो फ्रैंक है, ऐसे लोग कैंडिड लोग बोल्ड भी होते हैं, फ्रैंक भी होते हैं, और ऑनेस्ट भी होते हैं। ये लोग बोल्ड होते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, ऑनेस्ट। म्यूनिफिशेंस, जल्दी जल्दी, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि क्या होते हैं, म्यूनि, मुनि, मुनि, म्यूनिफिशेंट, बहुत बहुत जेनरस होते हैं। और प्लेजियारिज्म का मतलब क्या है, साहित्य की चोरी, साहित्य की चोरी करना, प्लेजियारिज्म। हाँ, ये एक नया वर्ड है, ज़िफायर, ये वर्ड देखा है मैंने, एग्जाम में आया हुआ वर्ड है ज़िफायर। ये जो हल्की हवा होती है ना, जो जेंटल ब्रीज होता है, हवा, विंड या हवा को बोलते हैं, ब्रीज, ब्रीज का मतलब हल्की हवा, जेंटल हवा को, जेंटल ब्रीज, वेरी प्लेजेंट विंड होता है, मतलब बहुत सुहावना विंड, प्लेजेंट विंड को बोलते हैं। चिल तो अलग होता है, ब्लिजर्ड किसको बोलते हैं, स्नो तो बर्फ है, बर्फीला तूफान, हाँ, बर्फीला तूफान लिख लो, स्नोस्टॉर्म, स्नोस्टॉर्म तो अलग हो गया, बर्फ, स्नोस्टॉर्म, बर्फीला तूफान, ब्लिजर्ड। करिश्मा, करिश्मा का मतलब क्या होता है, हमारे बैच में करिश्मा है ना, करिश्मा, करिश्मा का मतलब क्या है, मेंस में आया हुआ है, वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव, करिश्मा, वेरी अट्रैक्टिव, आई वाज अट्रैक्टेड बाय हिज करिश्मेटिक पर्सनालिटी, मतलब बहुत चमत्कारी, करिश्मेटिक, चार्मिंग। क्या है जो ट्वेल्थ में बोल रहे हो कि बता दो बता दो, ट्वेल्थ में क्या चीज के बारे में पूछ रहे हो। निफेरियस का मतलब होता है ना बहुत फ्यूरियस, मतलब बहुत ज्यादा करप्ट है, बेईमान, करप्ट, बदमाश, विलेनियस, यही है। वोलाटिलिटी, मार्केट बहुत वोलाटाइल है, चलो आंसर बताओ, कल ही बताया था, मार्केट में उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव है, क्या है, म्यूटेबिलिटी है, म्यूटेबिलिटी, चेंजेबल मार्केट है, चेंजेबल है, चेंजेबल है, कि वो क्या भी याद करना है, म्यूटेशन है, म्यूटेशन है। ये केप्रिस का मतलब क्या होता है, इसमें भी आ गया है, क्या होता है, केप्रिशियस लोग ना, केप्री पहने या कंफ्यूज्ड है, डे ड्रीमिंग है, अनस्टेबल, मतलब नहीं, केप्रिस का वो तो केप्रिशियस है, केप्रिस मनमौजी टाइप है, ठीक है, मनमौजी टाइप है, बट वोलाटिलिटी मतलब मनमौजी तो नहीं है, म्यूटेशन होता है ना, म्यूटेशन में चेंजेस होते हैं, तो ये वर्ड ज्यादा फिट नहीं है उसमें। एनी लेट, एनी, ये तो बताया था, एनी, एनी ने डेट प्लान किया था और एनी खुद लेट हो गई, तो एनी का डेट जो था वो बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया। लिटरेट लोग, जो लोग लिटरेट नहीं है उसको यहाँ से हटाओ, वॉच आउट करो, रूट आउट करो, खत्म करो। शन का मतलब होता है अवॉइड करना, अवॉइड, किसी चीज से दूरी बनाना, अवॉइड करना, एसयू करना, एसयू, एसयू का मतलब भी होता है अवॉइड करना। एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज का मतलब क्या है, एस्ट्रेंज, हाँ, किसी को एस्ट्रेंज करना, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब है अलग करना, स्ट्रेंज मतलब अजनबी,
तो अजनबी को आप मतलब सेपरेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो, उसको एलियनेट कर रहे हो, एलियन बना रहे हो, अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। 30 तक है, तुरंत हो जाएगा। ओनस, ये तो कमेंट्री में भी सुनते हैं। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, हमारा युवराज सिंह आउट हो गए, एंड द ओनस फेल ऑन MS धोनी। ओनस, ओनस मतलब वन मैन, मतलब सारा भार धोनी पे चला गया। तो ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस मतलब सारा वन मैन पे सारा भार चला गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंडिया हार गया था, मुझे याद है वर्ल्ड कप में मैं कहाँ पढ़ाती थी, टॉप रैंकर्स में। उन्होंने बोला कि मैम आज थोड़ा सा क्लास जल्दी खत्म कर दीजिए, आपका वाला जो डिजिटल बोर्ड है ना उसमें मैच देखेंगे। और मैंने, उन्होंने बोला मैंने खत्म कर दिया था, डिजिटल बोर्ड में बड़ा मैच जीतेंगे, और हार भी गया था इंडिया उसमें। क्या करोगे, हार जीत चलते ही रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीता भी तो है। ऑब्सीक्वियसनेस, हाँ दे दिया था मैंने, वहां पे सारे थे मैच के वेट कर रहे। वहां पे ना सिर्फ दो तीन डिजिटल बोर्ड था, और टीचर्स बहुत सारे होते थे, सब पे झगड़ा होता था। एक बार आप डिजिटल बोर्ड में पढ़ा लोगे ना, फिर आपको वो पेन से लिख के व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं करे। ऑब्सीक्वियस, सीक्वेंस, आज भी यूट्यूब पे पढ़ाया था इसको। सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस फॉलो करना, सीक्वेंस सीक्वेंस मतलब फॉलो करना एक ही कतार में। तो लोगों को एक ही कतार में आप फॉलो कर रहे हो, तो आप क्या है, फॉलो कर रहे हो, उसको मतलब चापलूस हो। तो ऑब्सीक्वियस में मतलब चापलूसी, एड्यूलेशन, अडल्ट लोग चापलूसी करते हैं। और कमेंडेशन का मतलब तो तारीफ करना, कजोल भी हो सकता था, कजोल का मतलब भी है चापलूसी, बट कजोल वर्ब है और ऑब्सीक्वियसनेस एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है। नेसनेस वाले वर्ड नाउन होते हैं, नाउन है तो आपको भी नाउन डालना। कजोलरी होता ना, काजोल ने चापलूसी करके करण जौहर का फिल्म ले लिया, काजोल, तो तब डाल सकते हो। और रिडिक्यूल का मतलब तो इंसल्ट है। पैलिएट, ये भी पढ़ चुके हो आप, पैलिएट भी पढ़ चुके हो। पैलिएट करना, हाँ, शांत करना किसी को, कोई गुस्से में शांत करना। और एसर, एसर का मतलब क्या है, बिटर। एग्जासर्बेट करना मतलब और भी किसी को, मतलब सिचुएशन को और भी खराब कर देना, किसी को प्रोवोक करना, उकसाना, ये सब तो कर चुके हो, शुरू में ही किया आप। तो हमारे नए स्टूडेंट्स है, एक बैच को रिवाइज करते रह जाना है। ऐसा नहीं है ना कि idiom, synonyms, antonyms यहीं से स्टार्ट होगा, फिर ये होगा, रिकॉर्डेड देख सकते हो। इनसेंस करना, वैसिलेट, वैसिलेट कर रहा है कभी पेंडुलम की तरह, इधर कभी उधर, कोई फिक्स्ड ओपिनियन नहीं है। कल ही किया है। फ्लक्चुएट करना, कभी इस साइड कभी इस साइड, थाली में बैंगन वाला, वेवर करना, वेव की तरह, तरंग की तरह, इधर कभी उधर। डिसइंटीग्रेट तो पता ही आपको, सल्यूट भी पता। अच्छा, रेलीगेट का मतलब क्या है, किसी को रेलीगेट कर दिया आपने। आपने वैसिलेट में कौन से वर्ड में करवाया था, कल कुछ करवा रही थी मैं, कौन सा वर्ड कल करवा रही थी, तो मैंने बोला है कि वैसिलेटिंग है, कोई कोई लोग एकदम दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। कौन सा वर्ड करवा रही, मर्क्यूरियल करवा रही थी। हाँ, मर्क्यूरियल, कभी पारा हाई, कभी लो, कभी इस साइड कभी उस साइड, अपना फिक्स्ड ओपिनियन नहीं हो। और रेलीगेट करना ना, किसी को डिमोट करना, ओके, डाउनग्रेड करना, हाँ, डिमोट कर देना, मतलब उसको और भी नीचे, लोअर पोजिशन में ला देना, सिंपल लैंग्वेज में उसको। प्रमोट मतलब ऊपर प्रमोशन, डिमोट डाउनग्रेड करना। वन एट, करोड़ों बार, 40-50 करोड़, वन एट, रिस्पेक्ट। इनर वेट, अब देखो याद रखना है, कुछ के दिमाग में आएगा ना इनर वेट देखेंगे, और उनके दिमाग में आएगा एनर्जी। इनर वेट करना मतलब एनर्जाइज करना, बट इसका उल्टा है। इनर वेट करना मतलब वीकेंड करना, थका देना, टायर्ड, कमजोर, लैक ऑफ एनर्जी, कंफ्यूज नहीं होना, वीकेंड, फेड। और बोल्स्टर करना, सबका मीनिंग बताते जा रही हूँ, सबका मीनिंग, बोल्स्टर, बुलडोजर ताकतवर है। बोल्स्टर करना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। बीफ अप, ये वर्ड याद रखना, सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया, तैनात मतलब मजबूत किया गया। एनर्वेट, एनर्वेट का पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब है, वर्ब, बोल्स्टर करना। फोर्टिफाई करना, वेरी गुड। किला, किला, फोर्ट का मतलब किला, किला की तरह मजबूत किया। सिटीडेल, सिटीडेल का मतलब भी होता है किला। और प्लकेट तो बता दिया था, प्लैक वाला वर्ड करवाया था ना, पैसिफाई। प्लकेट का मतलब है किसी को शांत करना, काम डाउन करना, काम डाउन का प्लकेट, पैसिफाई सारा किया हुआ है। प्रीवेरिकेट, बहुत वर्ड्स हो गए आज। उसके बाद भी आप लोग, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि बार बार आपको वर्ड रटवाऊं, और उसके बाद भी जब बोलते हो ना, तो मैं कितना करवाऊं आपको, मैं आपको 30-40% हेल्प करूंगी, बाकी 60% आपको करना होगा। कंप्लेन मत करिएगा इतना पढ़ने के बाद। प्री, पहले से, वेरिकेट कर लो, नहीं तो धोखा मिलेगा। फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई तो किया आपने, पहले से प्री वेरिफिकेशन कर लो, अदरवाइज फॉल्सिफाई हो। कंट्राइव करना मतलब झूठा प्लान, मनगढ़ंत कहानी बनाना। और डिवाइन का मतलब क्या है, डिवाइन मतलब बहुत पवित्र, वरी देवी, देवीय वाला, हेवेनली, हेवेनली, सेलेस्टियल, डिवाइन ब्यूटी होता है ना, जो वो प्रिस्टीन, डिवाइन मोमेंट, प्रिस्टीन हेल्प।
ये देखो पिलोरी, ये पिलोरी किसको बोलते हैं? देखो ये क्या होता है ना, ये एक पिलोरी एक वुडन फ्रेमवर्क, वैसे बता रही है, एक वुडन फ्रेम होता है जहाँ कैदी का ना हाथ पैर मतलब उसमें बांध दिया जाता है और उसको पब्लिकली चौराहे पे वो वुडन फ्रेम से बांध कर लाया जाता है चौराहे पे, उसको पनिशमेंट देने के लिए। पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब फांसी नहीं देते उसको, पनिशमेंट है। मोदी जी को ऐसा ऐसा बहुत, इट्स अ वेरी, इट्स अ थिंग ऑफ शेम, हंसने की बात नहीं है। हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा बोल रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, हंसना नहीं है, स्कॉन करना। हाँ, वो पब्लिकली चौराहे पे लाकर रिडिक्यूल करते, ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं जो किंग जोंग टाइप से भी नहीं। रिस्पेक्ट करना है, जब हम लोग अपनी कंट्री का ना करेंगे तो बाहर वाले एंटी सोशल फोर्सेस तो बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को भी नहीं बोलना भाई हमारी कंट्री का, भले और भी कुछ बोल दो। एक्सटॉल, एक्सटॉल करना मतलब तारीफ करना, अपलॉड करना मतलब तारीफ करना, और रेवर, रेवर का मतलब है रेवरेंड, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट। राहुल गांधी इज नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, राजीव गांधी इज फ्रॉम आवर कंट्री ना। ब्लैंडिश, ब्लैंडिश इटली से, ब्लैंडिशमेंट तो बताया है, एक मैंने ब्लैंड का मतलब बताया, एक ब्लैंड का मतलब होता है इनसिपिड, टेस्टलेस, बहुत ब्लैंड टेस्ट है, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं, बेकार है। और एक ब्लैंड का मतलब चापलूसी भी बताया है, ये वर्ड आपको करवाया है, ब्लैंडी लोक्वेंट, लोक का मतलब बोलना, चापलूसी वाली स्पीच, तो ब्लैंड कोक्स। ग्रीट करना गुड मॉर्निंग, विश करना, रिलिश मतलब इंजॉय करना, ग्रीट करना मतलब किसी को विश करना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। लास्ट बॉल्स्टर, अच्छा बॉल्स्टर तो आ गया। बुलेटिन का मतलब न्यूज बुलेटिन आता है, रिमांड पे लेना तो पता ही, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। स्कोर बता दीजिए, वैसे तो साथ में ही किया है, टेस्ट दे के ना, मैं आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, सब सारे वर्ड्स भी डिस्कशन करने, काउंट नहीं किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला मैं कल इसका ऑप्शंस बदलूंगी, ऑप्शन बदल के कल हम लोग एंटोनिम्स करेंगे। To examine one's thoughts, अपनी thoughts and feelings को, just a minute, अपने thoughts and feelings को examine करना, सोच विचार करना, क्या होगा? Reflection तो नहीं होगा। Meditation का मतलब है, हाँ meditation का मतलब होता है सोच विचार करना, ऐसे सोच विचार करना, जरूरी नहीं है कि feelings ही हो, लेकिन अपने आप meditate करना मतलब simply सोच विचार करना, to think। पर यहाँ पे इन्होंने, जब भी one word बनाओगे तो अपना language देखो, अंतर ध्यान करना, सोचना, तो ये थॉट्स एंड फीलिंग, इंट्रोस्पेक्शन। कभी कभी बोलते हैं ना, आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, मतलब परेशान हो, तो बोलते हैं ना अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, पहले तो सोच विचार करो कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है। और रेट्रो, रेट्रो म्यूजिक सुना है आपने? रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो का मतलब क्या है? ओल्ड, ओल्ड। रेट्रो म्यूजिक होता है ना 70s का म्यूजिक, जैसे आप कहीं पार्टी में भी जा रहे हो तो उसका रेट्रो थीम है, पुराने जमाने वाले स्टाइल में सब लोग आते हैं। तो रेट्रोस्पेक्शन मतलब पास्ट की थॉट्स, पास्ट, पास्ट, पास्ट के बारे में सोचना, बट यहाँ पास्ट का मेंशन नहीं है, सो द आंसर इज रेट्रो। अ शॉर्ट यूजुअली, लैंग्वेज देखना, छोटा सा, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब एंटरटेन करने वाला स्टोरी, अबाउट सम रियल, 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 असली पर्सन या कोई असली घटना, असली वो घटना, टेल तो स्टोरी हो गया, स्टोरी असली जरूरी नहीं है कि असली हो। एंटीडोट किसको बोलते हैं? जहर काटने की दवा, जहर काटने की दवा को एंटीडोट बोलते हैं। आंसर इज एनेक्डोट, एनेक्डोट, एनेक्डोट। एलिगरी का मतलब क्या होता है? एलिगरी एक ना, मुझे पता नहीं, वो एक नॉवल मैंने ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है, वो ना उसका था, स्विफ्ट का कोई पोयम था, मुझे याद नहीं है। एलिगरी नहीं, 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 एक सिम्बॉलिक स्टोरी होता है, सिम्बॉलिक, मुझे वो स्टोरी याद नहीं है, जहाँ तीन भाई थे, तीनों को कोट दिया जाता है, एक अपने कोट में बहुत सारा चीज सजा जाता, मुझे वो याद नहीं है, वो एकदम एलिगरी था, वो एक बहुत बड़ा सटायर था, एलिगरी था, मुझे वो याद नहीं आ रहा कि वो, तो एलिगरी का मतलब होता है ना कि एक ऐसा स्टोरी होता है जहाँ पे कैरेक्टर्स को किसी क्वालिटी का प्रतीक बना दिया जाता है। जैसे एक कोई व्यक्ति है जो ऑनेस्टी का सिंबल है, जो ईमानदारी का सिंबल है, तो उस कैरेक्टर को उस ईमानदारी वाला लुक दे दिया जाता है। ओके, मतलब किसी चीज का प्रतीक हो जाना। प्रेमी महाभारत नहीं है, महाभारत तो एक एपिक है, गाथा है, महाभारत नहीं है, रवीश कुमार है इसका एक कहानी है, मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ाया था, तीन भाइयों को फादर का प्रॉपर्टी मिलता है, कोर्ट दिया जाता है, कौन कोर्ट को, एक ऐसा कुछ था, मतलब एक कहानी होती है जिसमें कैरेक्टर्स को किसी क्वालिटी का सिंबल बना के दिखाया जाता है। युधिष्ठिर का नाम मत लो, युधिष्ठिर से बहुत चिढ़ हो गया युधिष्ठिर, जब हम लोग पहले रामायण देखा था ना, जब हम लोग छोटे थे रामायण देखा था, तो युधिष्ठिर को अच्छा समझते थे हम लोग, लेकिन
अब हम लोग मेच्योर हो गए, वी आर एबल टू जज. तो युधिष्ठिर बहुत बदमाश है, मतलब बदमाश नहीं है, बहुत डरपोक कायर है. आई थिंक मुझे लग रहा है गर्ल्स मुझे एग्री करेंगे, गर्ल्स एग्री करेंगे कि युधिष्ठिर कैरेक्टर को कोई नहीं पसंद करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा. गर्ल्स, वुमेन हु ऑफर्स, अच्छे से सेंटेंस का लैंग्वेज देखना, वुमेन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू एनी वन जो उसको पे करे, उसके लिए क्या यूज होगा? प्रोस्टिट्यूट मतलब वो पैसे लेकर, शी अलाउज हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स. कॉन्क्यूबाइन क्या होता है? कॉन्क्यूबाइन होता है ना मिस्ट्रेस टाइप, एक ऐसा वुमेन जिसको वाइफ का, तो मतलब सेकेंड वुमेन बोल सकते हैं, वाइफ का दर्जा तो नहीं बोलता है, मिस्ट्रेस सेकेंड वुमेन का दर्जा दिया है. ओके ये कुकॉल किसको बोलते हैं? ये वुमेन के लिए यूज होते ही नहीं, ठीक है? लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज. ये बोल रहे हैं, ये वुमेन की बात हो रहे हैं. तो प्रोस्टिट्यूट भी वुमेन के लिए, कॉन्क्यूबाइन भी वुमेन के लिए, सेकेंड वुमेन है. अब ये जो कुकॉल ना, ये मेल के लिए यूज होता है, वो मेल जिसकी वाइफ इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. ओके, जिसकी वाइफ इज फेथलेस, हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. ओके, फेथलेस वाइफ जिसकी लुगाई भाग गई है, वही वाली है. और ये वॉल्यूचरी किसे होता है? वॉल्यूचरी का मतलब होता है ना इंटेंस सेक्सुअल डिजायर. ओके, डिजायर सेक्सुअल एसेंशियल मौज मस्ती सेंशुअल प्लेजर्स वाले लोग को बोलते हैं. तो ये कोई भी हो सकता है, मैन वुमेन सबके लिए, बट यहाँ वुमेन के लिए बोला है, तो दैट इज प्रोस्टिट्यूट. विलासिता वैसे टाइप वाला कुछ. लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखते हो तो वो तो ऑटोबायोग्राफी हो गया, लेकिन दूसरे के द्वारा लिखा गया बायोग्राफी. ऑटो मतलब अपने अपने. और बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी, बिब्लो बताया था ना, बुक्स, लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ बुक्स, कौन से साल में आपने कौन सी बुक्स लिखी है, बिब्लोग्राफी, बुक्स का रेफरेंस. बुक लगा तो बिब्लोफिलिक हो गया. मेमोर किसको बोलते हैं? मेमोर एक डायरी है, डायरी जहां पे आप पूरा लिखते हो आपके साथ जो जो मेमोर, डायरी लिखने की हैबिट होती है ना, मेमोरी में लिखा गया. फार्मर एंड सन नहीं है वो, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाया था, फार्मर नहीं थे, तीन कोड दिया था, मुझे देखना होगा. कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइव्स, बहुत सारे वाइव्स. बिगैमी में तो दो वाइफ, मोनोगैमी में एक, और पॉली. और मैट्रोमोनी किससे रिलेटेड है? मैट्रिमोनियल, रिलेटेड टू मैरिज, मैट्रिमोनियल अलायंस, शादी से रिलेटेड है, शादी. अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करता है, कौन है वो? अथेइस्ट है. रैशनलिस्ट तो अलग होते हैं, फिलैटलिस्ट तो स्टैंप कलेक्शन, जो लोग तरह तरह के कंट्रीज का स्टैंप कलेक्ट करते हैं. अच्छा, मैंने एक मिनट बता रही हूँ, मैंने आपको वो एक बार देख लेना, वन वर्ड का लेसन प्रोवाइड किया, उसको एक बार पढ़िएगा, उसमें सारा अलग अलग करके दिया है, उसको एक बार पढ़ लेना है, तब ये सब चीजें पढ़ लिया है. ओके, पगान किसको बोलते हैं? अथेइस्ट तो आस्तिक है, जिसको किसी भी रिलीजन पे भरोसा नहीं है. पगान किसको बोलते हैं? ज्ञान का क्या है? ज्ञान का भागना, क्या लिख रहे हो? मूर्ति पूजा करने वाले, ज्ञान का बखान करने वाले. अच्छा, ज्ञान, देखो पगान वो नहीं होते हैं. अब इसका हिंदी पता नहीं, एक बार गूगल करके देखना, पता नहीं ज्ञान का बखानी, पगान का मतलब ऐसा, ये रिलीजन पे भरोसा करते हैं, लेकिन जो कॉमन रिलीजन हमारे में वर्ल्ड में चलता है ना, उससे अलग. हाँ, एंशियंट रिलीजन, जैसे कॉमन रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, या तो हम क्रिश्चियन को मानते हैं, हिंदुइज्म को मानते हैं, ओके, या हम इस्लाम को मानते हैं. तो पगान्स होते हैं ना, नो डाउट दे बिलीव इन रिलीजन, बट ये कन्वेंशनल रिलीजन को जो चल रहा है उसको नहीं करते, ये अलग ही चीज को करते हैं. गौतम बुद्ध टाइप है, ओनली वेरी स्ट्रिक्ट. स्कल्पचर वर्शिप दिया है, क्या दिया है इसका हिंदी, क्या दिया है? वर्ल्ड में जो रिलीजन चल रहा है उसको बिलीव नहीं करते हैं. स्केप्टिक दिया तो अलग अलग दिखाएगा, अलग अलग दिखाएगा. बुद्ध शरणा, क्या बुद्धम शरणम, जो मैंने बताया भैया, जो वर्ल्ड में रिलीजन चल रहा है उसको फॉलो ना करके उनका अपना रिलीजन होता है. तो यहाँ पे तो देखो, ये तो कोई, वो तो रिलीजन में फॉलो करते हैं, बट अथेइस्ट का मतलब होता है नास्तिक. रिलीजियस बिलीव्स अदर देन दोज ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजन, ये तो नहीं करते. ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल, कभी कभी यूथेनेशिया सुना होगा ना, पेनलेस डेथ, जो लोग बहुत बीमार हो जाते हैं उसको इच्छा मृत्यु टाइप वाला डेथ दिया जाता है, बहुत पेनलेस डेथ की उसको दिक्कत ना हो, यूथेनेशिया बोलते हैं. तो ये मत बोलना कि ये सब कैसे याद किया जाए, ये सब आपको याद करना है. गैलोस किसको बोलते हैं? इंडिया में भी अलाउड तो हो गया है पेनलेस डेथ. हाँ, जो फांसी का तख्ता होता है क्या होता है? गैलोज इज या आर, सब्जेक्ट वर्ब में मिलेगा, क्या होगा?
यस, फांसी के तक तो इंडिया में पैसिव है, इंडिया में अलाउड। ओके, पैसिव यूथनेशिया अलाउड इन इंडिया, तो इतना मुझे बहुत आइडिया नहीं है, बट पढ़ा ही है कहीं। अ पर्सन ऑफ लैक्स मॉरल। ओके, लैक्स मॉरल मतलब डल मॉरल, जिसमें कोई नैतिकता नहीं है, जिसका मॉरल मॉरल ना नैतिकता एकदम डल है, नैतिकता उसमें है ही नहीं। लैक्स मतलब इनएक्टिव है, नैतिकता इनएक्टिव है, क्या होगा? नैतिकता है नहीं, वो क्या है? हाँ, लाइसेंशियस है, ये तो पढ़ चुके हो आप, करप्ट है, करप्ट है। और पायरेट्स बोलते हैं समुद्री लुटेरे को, समुद्री लुटेरे को, अब लिख लेना हिंदी उसकी, समुद्री वाला। और वैगाबोंड जो बिना काम, बिना बिना काम के इधर से उधर खाना पदोश, इधर से उधर आवारा आवारा टाइप वाला, पायरेट्स ऑफ द करेबियन, सोमालियन पायरेट। और ये रफियन कौन है? रफियन, रफियन तो यूज कर लेते हैं, रफियन किसके लिए? बदमाश है, धोखेबाज, बदमाश, रफियन रोग, ये रोग, बदमाश, धोखेबाज, स्काउंड्रल, रफियन, यू स्काउंड्रल, धोखेबाज, बदमाश, रास्कल, हुलीगन्स। तो किसका होता है, हम लोग का एक बुक में फ्ली, फ्ली बर्टी जिबेट, मुझे याद है 6th 7th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ पढ़ा था, फ्ली बर्टी जिबेट एक था कैरेक्टर, उसके लिए भी यूज होता, बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। जहां पर कैटल को रखा जाता है, शीप मवेशी रखा जाता है, पोल्ट्री रखा, सेलर में क्या रखा जाता है? गूंस, गूंस का मतलब भी बदमाश है। सेलर में क्या रखा जाता है? अरे प्रिजनर को सेल में रखा जाता है। अरे सेलर में क्या रखा जाता है? क्या लिखा के? ग्रेन्स रखा जाता है, ग्रेन्स, क्या लिखता है? केडीओ, केडीओ क्या लिख रहे? केडीओ को, केडी, केडी कौन? केडी, अच्छा कैदियों को सेलर। और क्या रखा जाता है वो सेल में? और क्या क्या कैदी, कैदी लग रहे हैं। वाइन रखते हैं भी है, सेलर्स में, बैरल्स में, सेरल्स में, यस, ड्रिंक सेलर्स में, जेल का तख्त खाना सेलर, एक वाइन्स के लिए भी है, वाइन्स, वाइन्स, अरे यस, वाइन्स, वाइन्स, शराब, वाइन्स। और एक तख्त खाने के सेंस में भी जाता है, सेलर में, सेल में, इसको भी याद रखना है। और स्टाई, स्टाई में किसको रखा जाता है? हम भी बनवाएंगे सेलर, पहले तो क्या, पिग को रखा जाता है, पिग, पिग को, स्वाइन को, स्वाइन। ये लेयर में किसको रखा जाता है? ये वाइल्ड एनिमल्स जहां पे सोते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, जहां पे वो रेस्ट करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रेस्ट। और ये तो कैटल और ये वाइल्ड एनिमल नहीं है ना, वाइल्ड नहीं है, नहीं, वाइल्ड एनिमल्स एक तो गुफा में रहता है, लेकिन एनक्लोजर है, एनक्लोजर का मतलब एक एरिया इनक्लोज करके रखा गया है उनके लिए, खास करके रेस्ट करने के लिए, रहने के लिए, सेंचुरी टाइप। आंसर सी होगा, पेन, पेन, अब ये पेन मत समझ लेना, ठीक है, पेन में कैटल मवेशी को रखा जाता है। किचन में कुछ गिरा है सर, को मैं मना करती हूँ ना, किचन में मेरे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मत इधर उधर करिए, वो वॉक करके आगे कुछ खाने पीने के लिए ढूंढते होंगे। टू कॉज ट्रूप्स, टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, स्प्रेड आउट करना, ट्रूप्स मतलब फोर्सेस, सैनिकों को फैला देना, तैनात करना, स्प्रेड आउट करना, स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट करना मतलब तैनात करना, जैसे डिप्लॉय किया गया सैनिकों को कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में तैनात किया गया। और डिस्पर्स का मतलब भी होता है स्कैटर करना, बिखेरना, बट खास करके ट्रूप्स के लिए, ट्रूप्स के लिए, सैनिकों के लिए बना है डिप्लॉय। अलाइन का मतलब तो एक ही लाइन में अलाइन करना, कोलोकेट का मतलब भी होता है असेंबल, असेंबल, असेंबल करना, एनेक्स करना, मतलब दो चीज को जोड़ना, जोड़ने के सेंस में गैदर करना। बट इन्होंने, आज हमने एक वर्ड किया था कोलेट भी किया था, कोलेट का मतलब भी है कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, इसका मतलब होता है ज्वाइन करना, असेंबल करना। अ पर्सन हु फोर्सिबली सीजेस, देखो सीज मतलब जब्त करना, जबरन, बस और एयरक्राफ्ट को, ये तो सबको पता है, हाईजैकर, खास करके वहां बस को हाईजैक कर लिया, एयरक्राफ्ट को, वो कंधार वाला केस था ना बहुत पहले, 1999 में शायद हाईजैक किया था, क्या नाम था, अजहर मसूद एंड ऑल को। 10th का आंसर, 10th का आंसर इज डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी, आर्मी, मसूद अजहर, हाईजैकर तो, हाँ, स्विंडलर, स्विंडलर क्या है? वो फ्लाइट है, फ्लाइट में क्या क्या किया था, उसको छोड़ा था, उसका कितना अटैक किया था। पायरेट्स तो पता है, समुद्री लुटेरे लिख लेना, स्विंडलर मतलब धोखेबाज, बदमाश, धोखेबाज, बदमाश। क्लोज, आज क्लोजेस्ट नहीं, आज ये करेंगे। पिल्फर, पिल्फरर किसको बोलते हैं? लुटेरे को बोलते हैं, लुटेरे लोग, चोर लोग, चोर लुटेरे को बोलते हैं। हाँ,
और जो लूट जो सामान लूट के लाते हैं, जो लूट का माल होता है, लूट के जो सामान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, लुटेरे लोग को हम प्लंडरर भी बोलते हैं, प्लंडरर, प्लंडर करना, पिल्फर करना, जो लूट वाला सामान को क्या बोलते हैं? बूटी बोलते हैं। हाँ, बूटी। बिरयानी बना रहे थे, मिल जाएगा, कन्वर्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। वेरी गुड। द एक्ट ऑफ, ये तो पढ़ा था उसने, पढ़ा दिया, अपने वाइफ को मार देना, जोरोसाइड। ये कैनाइन वर्ड सुना होगा ना, कैनाइन, कैनाइन वर्ड सुना है किसे? कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ, दांत, किसका दांत बहुत ज्यादा मतलब काटने वाला होता है, डॉग, डॉग, कैनाइन वर्ड डॉग से बना है। कैनिसाइड, कैनिसाइड, साइड का मतलब होता है डॉग, डॉग, सॉरी, साइड का मतलब होता है मर्डर, जो डॉग का मर्डर होता है ना, डॉग को मार दिया जाता है। एवी, सब आपके शीट में है, एविएशन, जैसे एवियरी, आपने एवियरी वर्ड पढ़ा है, आपके शीट में है एवियरी, जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, बर्ड्स। कैसे याद रखोगे? सर को खाना बनाने आता है, सर बनाएंगे। एविएशन, एविएशन वर्ड है, एविएशन, एरोप्लेन वाला डिपार्टमेंट, जैसे एरोप्लेन उड़ता है बर्ड भी उड़ती है, तो एवियरी जहां बर्ड्स रखा जाता है। और एवी साइड, साइड का मतलब मर्डर, बर्ड्स के मर्डर को, बर्ड्स के। रूट वर्ड है एवी, जैसे एंथ्रो का रूट वर्ड ह्यूमन बीइंग होता है, वैसे एवी का बर्ड्स का मर्डर है। हाँ, मर्डर साइड का मतलब है, मर्डर लिख लीजिए, मर्डर ऑफ बर्ड्स, किलिंग ऑफ बर्ड्स, मर्डर नहीं बोलिए, किलिंग ऑफ बर्ड्स। और ये है किलिंग ऑफ डॉग्स। और जेनोसाइड तो ह्यूमन रेस, नरसंहार। मेरे बर्थडे से आपको मतलब होना चाहिए, सर के बर्थडे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सर का आपकी लाइफ में कोई रोल नहीं है, मेरा आपकी लाइफ में रोल है, इसलिए मेरे से मतलब रखना है। म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो, देखा होगा जो हॉलीवुड की मूवीज होती है ना, हॉलीवुड मूवीज वगैरह में एकदम किसी के विंडो में ऐसे ऐसे कुछ म्यूजिक बजाते रहते हैं, लाला भाई लौरी की तरह काम करता है, वो सो जाता है उसको शांत करने के लिए, क्या है जो शांत करने के लिए, नींद आ जाए, शांति, काम करने के लिए, किसी को काम डाउन करने के लिए, क्या होगा? सेरिनेड, सेरी पिंडिटी जैसा होता है ना, सेरिनेड, सीरीन वर्ड सुना है ना आपने, आपको तो बताया भी है, सीरीन का मतलब है शांत करना, शांत, शांत, तो म्यूजिक बजा के बच्चों को भी शांत करवाया जाता है ना, बच्चों वाली म्यूजिक को क्या बोलते हैं? लालाबाई, आजकल तो सोते भी नहीं है ये लालाबाई से, लोरी को बोलते हैं, लल करना, लल करना मतलब है किसी को शांत करना, लालाबाई लोरी को बोलते हैं। अरे एविएशन डिपार्टमेंट है, एरोप्लेन वगैरह से है, एविएशन डिपार्टमेंट है। अ कंपनी, ये भी आपके शीट में है, डेमोक्रेसी, डेम का मतलब है लोग, लोगों के द्वारा, क्रेसी का मतलब है रूल, डेमोक्रेसी। ये आपके रूट वर्ड में मिस हो गया था, जो शीट 27th नंबर मिस है, लेकिन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है, वन वर्ड में है। ब्यूरोक्रेसी, जो ऑफिशियल्स के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह। ऑटोक्रेसी का मतलब तो सेल्फ गवर्नमेंट है, अपने ऑटो इंडिपेंडेंट है। और नोबल्स, हमारे कंट्री के नोबल, शाही लोग, नोबल लोग, एरिस्टोक्रेसी। हाँ, ये प्राइमो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमो? बहुत प्राइम है, बहुत प्राइम है, प्राइमरी। प्राइमो हम किस लोग को बोलते हैं? जो लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं, एमिनेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एमिनेंट, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध लोग, वेल नोन। ये टेल ऑफ अ हब नहीं था भाई, मुझे देखना होगा, बहुत पहले पढ़ाया था, टेल ऑफ अ हब नहीं था, तीन भाइयों की कहानी थी। एनीथिंग रिटन, अब वो भी करेंगे फिक्स प्रेपोजिशन में, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर, लेटर में लिखा जाता है, आफ्टर द लेटर इज साइंड, आफ्टर वर्ड है। अच्छा, पोस्टेरिटी बताओ, पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी किसको बोलोगे? नहीं, पोस्ट, यहाँ पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट है, यस, वेरी गुड। पोस्टेरिटी मतलब आने वाले जनरेशन को बोलते हैं, पोस्ट का मतलब होता है प्री, मतलब पहले, ओके, कमिंग जनरेशन को बोलते हैं, आपके बच्चे वो कमिंग जनरेशन होगा, तो फ्यूचर जनरेशन, पोस्टेरिटी, अपकमिंग, फ्यूचर जनरेशन, अपकमिंग में ना, जो बहुत तुरंत पास, मतलब जो तुरंत होने वाला है, तो अपकमिंग मत करना, फ्यूचर, फ्यूचर करना, फ्यूचर जनरेशन। और एक मिनट, कोरिजेंडम का मतलब क्या होता है? कोई बुक में कोई मिस्टेक्स, मिस्टेक वगैरह हो जाता है, ओके, बुक में कोई गलत प्रिंट चला गया, तो बाद में जो मिस्टेक सुधारने के लिए कोरिजेंडम होता है ना, करेक्शन, करेक्शन लगाया जाता है, मिस्टेक वगैरह हो गया, करेक्शन, सुधार लिख लीजिए। सक्सेसर अलग होता है, फ्यूचर जनरेशन में ना, सक्सेसर तो आपके जो तुरंत बाद, आपके, आपके तुरंत बाद, आपके, जैसे आपके फादर है, आपके ग्रैंडफादर है, आपके ग्रैंडफादर के सक्सेसर आपके फादर, आपके फादर के बाद आप, सक्सेसर इस तुरंत बाद। पोस्टेरिटी मतलब जितना भी आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे, बच्चे, वो सब आने वाली पीढ़ी, जितनी भी ग्रेट ग्रैंडसन, सबको।
आने वाली 15 जुलाई से एग्जाम है एयरफोर्स का, तो ये एयरफोर्स के एग्जाम में ना ग्रामर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए अभिषेक, वर्ड पावर पे लग जाइए। ओके, ग्रामर से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे या तो ना ही आएगा, वर्ड पावर, इडियम्स, ये सब पे लग जाइए। चलो पोस्ट डिक्शन, डिक्शन का, पोस्ट डिक्शन का मतलब क्या है? पोस्ट डिक्शन बाद में कहना, बाद में कहना। पोस्ट डिक्शन, डिक्शन का मतलब है वर्ड बाद में कुछ कहना, लेकिन यहाँ पे लेटर है। स्क्रिप्ट लिखते हो ना, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब ही होता है लिखा हुआ चीज। ओके, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब है लिखा हुआ चीज, हैंड रिटन है, तो यहाँ भी तो है रिटन, रिटन, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर। जब लेटर साइन हो गया उसके बाद कोई चीज लिखा जा रहा है ना, पोस्टस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब है लिखना। ग्रामर से कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं, वर्ड पावर ज्यादा है उसमें, वर्ड पावर ज्यादा है, ज्यादा है। पोस्ट डिक्शन मतलब बाद में बोला हुआ शब्द। स्ट्रॉन्ग एंड सेटल डिसलाइक, मान लिया है ना कि सेटल डिसलाइक, इसका मतलब है डिसलाइक एकदम सेटल्ड है, मतलब ये दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी। अपैथी मतलब तो उदासीन, हाँ तो क्या होगा, एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी, बट एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मान के चलना है कि इनके बीच में कभी दोस्ती होगी नहीं। हेट्रेड तो सिर्फ नफरत है, लेकिन इन्होंने बोल दिया सेटल डिसलाइक, मान के चलना है दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। वर्ड्स को देखना है। अ पर्सन हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसे नहीं है। चलो आप बोलोगे कि मैम गरीब है, तो गरीब है तो पॉपर भी पापड़ बेच बेच के काम चला रहा है, लेकिन इन्होंने किया है अपने कर्ज, गरीब गरीब हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है ना कि उस पर कोई कर्ज भी है, बट कर्ज के लिए बचा इनसॉल्वेंसी, इनसॉल्वेंसी एक्ट और वो सब सुना है ना, बैंकिंग, बैंक विजय माल्या, इनसॉल्वेंसी। एन एंटरटेनर, इसका लैंग्वेज देखना, कॉमर्स में भी होता है, बैंक से जल्दी इंसॉल्वेंसी होता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट वगैरह भी बने हुए हैं बैंक। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स फिजिकल एक्शंस, करतब दिखाता है फिजिकली। मैजिशियन तो नहीं है, क्लाउन तो जोकर वाला है, ओके हंसाता है। अब जिमनास्ट है, जिमनास्ट भी हवा में दिखाता है और एक्रोबैट भी दिखाता है, बट लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज। एंटरटेनर, जिमनास्ट ना एंटरटेनर नहीं है, जिमनास्ट तो अपना उसने प्रोफेशन चुना है, एक तो क्षेत्र है जिमनास्ट का, ओके तो ये तो एक क्षेत्र है, ये एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी काम करता है, बट ही इज अ जिमनास्ट बाय प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन है, बट ये तो एंटरटेनर लिखा है, सर्कस में एक्रोबैट करतब दिखाता है। एक्रोबैट वही होते, एक्रोबैट तो वही है, एंटरटेनर जो हवा में करतब दिखा। सर्कस वगैरह देखा है कभी? सर्कस देखा है, कलाबाजी दिखाते हैं कभी देखा? आजकल पता नहीं, आजकल तो देखा भी नहीं होगा। प्रॉपर सर्कस, प्रॉपर सड़क वाला सर्कस नहीं। मैंने तो हमारे झारखंड में, हमारे जमशेदपुर में सर्कस आता था और सब जाते थे सर्कस देखने, तरह तरह का होता था। पहले जोकर आके एंटरटेन करेगा, फिर वहां पे एनिमल्स आएंगे, हाथी आके पूजा करेगा, नारियल फोड़ेगा, लास्ट में जिमनास्टिक वाला सब होता है, तो बहुत एंटरटेनिंग होता है। मेरे बच्चों ने तो कभी देखा भी नहीं। नहीं, सर्कस में मौत का कुआं नहीं होता है, सर्कस में मौत का कुआं होता है वो तो डिज्नीलैंड वगैरह में होता है, सर्कस होता है। मैं तो वेट करती हूँ कि सर्कस आए तो अपने बच्चों को भी दिखाऊं सर्कस। बच्चे कहाँ हैं, सब बड़े ही हो गए। अ स्मॉल हाउस, जहाँ पे सारे रूम्स एक ही फ्लोर पे होता है, फ्लैट में एक ही फ्लोर पे नहीं होता, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल फ्लैट होता है। कासल, कासल का मतलब किला, किला, ओके किला, किला में स्मॉल कहाँ से हो। कॉटेज, कॉटेज का मतलब कुटिया है, कुटिया नहीं बोलोगे, एक ही फ्लोर पे बहुत सारे रूम, इट्स अ बंगलो, इट्स अ बंगलो। बंगलो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, बंगलो छोटा बंगलो भी होता है, बड़ा बंगलो भी। एक बंगलो में ना कभी भी दो तीन फ्लोर के घर को बंगलो नहीं बोलो, उसको हम डुप्लेक्स बोल देते हैं, डुप्लेक्स। बंगलो में एक ही फ्लोर ही होता है, एक ही फ्लोर ही होता है, उसी में सारे रूम्स होते हैं, एक डुप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है। 25 तो करते हैं। अब अ सॉन्ग जहां पे रिलीजियस और इमोशंस दिखाए जाते हैं, रिलीजियस और सेक्रेड इमोशंस है, खास करके ये हिम्स होता है, हिम्स, हिम्स का मतलब ये धार्मिक सॉन्ग्स, रिलीजियस। और बैलेट तो स्टोरी हो गया, ओड, ओड तो किसी की प्रशंसा में, प्रेज में, और लिरिक्स तो म्यूजिकल पोएम्स होते हैं, म्यूजिकल। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर, पहले तो, और इन्फ्लुएंस, पहले तो ब्रिटिश लोग इंडिया में ट्रेड करने आए, बाद में उन्होंने अपना एम्पायर बना लिया, तो ब्रिटिश का इम्पीरियल रूल था ना, इम्पीरियल रूल, अपना एम्पायर, अपना प्रभाव बढ़ा लिया, उसको इम्पीरियल बोलते हैं, पूंजीवादी है ये सब। तो गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन के गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। बैलेट का मतलब होता है स्टोरी, मतलब ऐसा पोयम है ना, एक ऐसा पोयम है जहां पे आप पोयम में ही किसी की स्टोरी बताई जा रही। मोनार्की, मोनार्की आपको दिया है, किंग और क्वीन, लंदन में है ना मोनार्की, किंग और क्वीन वाली। तो यहाँ पे ऑटो, ऑटो मतलब सिंगल पर्सन। अ मैरिड वुमन हु इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, क्या है,
डी है अडल्ट्री, फेथलेसनेस. लीचरी का मतलब होता है ना एक्सेसिव डिजायर फॉर फिजिकल थिंग्स एंड ऑल, ये नहीं होगा. पुबर्टी एट द एज ऑफ 12-13 के एज को बोलते हैं. और पॉलीगैमी तो मेनी वाइफ्स होना, और एक बस इतना वुमेन वुमेन वर्क मान जो पाइप और ये सब बनाता है, इतना ही दो रहने दो बस. 24 रहने दो. अब मुझे ये भी थोड़ा आगे बढ़ाना है ना. झांसी की रानी वाला पोयम हाँ गाता है. कितने दूर तक हुआ है ये? रुको रुको, कहाँ तक हुआ है? 130. सूरज इज अक्वेंटेड विथ वी आर ऑल अकाउंटेबल. याद रखना अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही. बहुत इंपॉर्टेंट है जवाबदेही. आप किसी पर्सन को के प्रति जवाबदेही है ना, तो नहीं नहीं रुको, टू किसी चीज के प्रति जवाबदेही है तो फॉर लगाना, फॉर याद रखना है. ओके, आई एम अकाउंटेबल टू गॉड. मेरी गॉड के प्रति जवाबदेही अपने, जैसे यू ऑल आर, हम लोग की जवाबदेही टीम लीडर के प्रति हमारी जवाबदेही है. वी आर अकाउंटेबल टू द टीम लीडर फॉर अवर वर्क. अपने काम के लिए, काम के लिए जवाबदेही है फॉर, पर्सन के लिए टू. अकाउंटेबल पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए आपकी जवाबदेही है. यू आर आंसरेबल टू दैट पर्सन तो टू, बट यू आर आंसरेबल फॉर योर डीड अपने काम के लिए. बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वी हैड टू स्टे इन द होटल. वॉच कंप्लाई के साथ विथ, वन शुड ग्रैपल विथ द डेंजर्स. ग्रैपल मतलब टैकल करना. माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट, मेरी सिस्टर का मैरिज बहुत आसानी से पास हो गया. पास अवे थोड़ी होगा, पास अवे का मतलब मर जाना होता है. पास्ड ऑफ अरे पास आउट का मतलब क्या होता है? पास आउट बेहोश होना, पहले पास आउट होता है. कितनी बार बताया भी तो है, और फिर पास अवे होता है. पहले तो बेचारा बेहोश हुआ, फिर पास अवे हो गया, मर गया, किक द बकेट हो गया. पास ऑफ का मतलब होता है किसी का शांतिपूर्वक गुजर जाना. शादी हुआ, फिर बेहोश हुआ, और फिर मर गया. करप्शन इज अ हिंड्रेंस. हिंड्रेंस का मतलब क्या है? हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टैकल. हिंड्रेंस टू. इट इज मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी. ठीक है, पीटर की लेथार्जी, सुस्ती की वजह से हमारा प्लान सारा बिगड़ गया. कल ही किया था और प्लान्स फॉल थ्रू. कल ही तो किया है. फॉल थ्रू का मतलब हमारा प्लान्स फेल हो गया. प्लान फेल थ्रू हो गया मतलब फेल हो गया. ये आपके 2017 या 18 के पेपर में प्री में आया. प्रीसीडेड मतलब नेतृत्व करना. प्रीसीडेड ओवर द मीटिंग का नेतृत्व चेयरमैन के द्वारा किया. और एलिफेंट, अच्छा वॉक डाउन का मतलब क्या है? वॉक डाउन का मतलब है पैदल चलना. उसी तरह टो डाउन, एलिफेंट्स ने भगदड़ मचाते हुए पूरे स्ट्रीट्स में एकदम सबको तूफानी, सब चीज रौंदते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए, टो डाउन द स्ट्रीट्स. चले रहने दीजिए मन को. कल मिलेंगे, कल वर्ड्स बनाएंगे आप.